ईश्वर ने हर व्यक्ति को, हर प्राणी को एक विशेष एनर्जी दी, और अगर वो ठीक तरह से यूटिलाइज करता है वो किसी से कम है। एक महाराष्ट्र में अपने शिष्य थे, वो भी आप लोगों की तरह थे, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया। वो मोटरसाइकिल खोल देते थे और वापस फिट करते और बता देते थे कि कहाँ पे ये मिस्टेक इसमें है। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर ने एक चीज बंद करता है, एक चीज आउट करता है, तो दूसरी तरफ वो विशेषता है। ये जीवन हमें मिला है, इस जीवन को हमें सार्थक करना है। इच्छाएं बहुत हैं और सभी इच्छाएं पूरी भी नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो जीवन मिला है, इस जीवन को हरि कीर्तन और अपने विशेष कार्यशैली में आगे से आगे बढ़ें। फिर वो आपके साथ, ये मत सोचो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं दे, आपकी उंगलियां, आपकी वाणी, इसमें वो करुणा है, वो कोशिश है कि उसके माध्यम से आगे से आगे बढ़ें। और कभी अपने आप की हिम्मत समझो, किसी भी तरह से हिम्मत समझो, क्योंकि आजकल जितनी प्रोग्रेस आप लोगों ने की है, क्योंकि ये आँखें नेत्र ये तो प्रभु की है, इंसान का कुछ नहीं चलता है, लेकिन फिर भी अपने हस्तकला में बहुत आगे निकल गए। और वाणी दी है, अभी संगीत दी है, और संगीत पे बड़ी करुणा है। अब ये देखो जैन चंचल, क्या नाम था उनका, निरंदर रविंद्र जैन, रविंद्र जैन, उन्होंने भी मेरे गाने कई गाए और कितनी आवाज़ उनकी, तो हर कोई नहीं गा सकता। अगर हम चाहें कि हम गाना गाएं या हम कोई साज बजाएं, नहीं, ये भी कला प्रभु ने किसी किसी को दी है। तो जरूरी नहीं कि हर एक की मास्टरी कृष्ण जी की तरह सबकी हो, नहीं, किसी में कोई कमी रख दी, किसी में कोई विशेषता रख दी, पर कमी कमी नहीं है। जो हमें प्रभु ने दिया है उसको हम साथ लें, आगे से आगे बढ़ें, सबको साथ लेकर। और आप सबके प्रति यही मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि आपका जीवन उज्ज्वल, आपका जीवन उज्ज्वल हो, और जो कार्य प्रभु ने आपका दिया उसको प्यार से आगे से आगे बढ़ो, आगे से आगे बढ़ते चलो, और इसी में खुश ना हो, इसको और अच्छा करो, क्या जी, इसको